फ्रांस के एक पत्रकार ने दावा किया कि ईरान ने अपने यहां रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार की है। दावा है कि ये हिट लिस्ट इसराइल से बदला लेने के लिए तैयार की गई है, ताकि अगर इसराइल की सेना हमला करे तो ईरान में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारा जा सके। ईरान में यहूदी समुदाय के लोग बहुत कम संख्या में रहते हैं और उनमें ज्यादातर वहाँ सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। फ्रांस के एक पत्रकार ने दावा किया कि ईरान ने ऐसे ही लोगों की एक लंबी लिस्ट तैयार करवाई है, जिन पर तब हमले किए जाएंगे जब इसराइल ईरान के साथ जंग छेड़ देगा। और इस तरह से ईरान इसराइल पर दो तरफा वार की तैयारी में है। एक तरफ तो उसकी सेना इसराइल को जवाब देगी, दूसरी तरफ यहूदी समुदाय के लोगों को मारकर ईरान यहूदी देश इसराइल को तड़पाएगा। और दावा है कि इसके लिए ईरान ने काफी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी सेना के खास लोगों को यहूदी समुदाय के लोगों की लिस्ट बनाने के काम में लगा दिया था, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि इसराइल देर सवेर उस पर हमला जरूर बोलेगा। वो तो खुलेआम इस बात का ऐलान भी कर चुका है कि ईरान ने परमाणु बम की जिद नहीं छोड़ी तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान भी मानने वाला नहीं है। वो ये ठान कर बैठा है कि परमाणु बम तो वो बनाकर ही रहेगा, और इसी वजह से दोनों देश पिछले कई महीनों से जंग छेड़ने को तैयार दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि इसराइल ने हमले की पूरी तैयारी भी कर रखी है, जबकि ईरान भी उससे पीछे नहीं दिख रहा। और इसी कड़ी में उसने अपने यहाँ रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों की लिस्ट तैयार करवाई है, ताकि नेतन्याहू को बमों और मिसाइलों से जवाब देने के साथ साथ उनके दिल पर भी चोट की जा सके। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर में चमत्कारी दावे वाले रुद्राक्ष बांटने पर प्रशासन ने रोक लगा दी। वहां 16 से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम के पहले ही दिन श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि वहां की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में चमत्कारी दावे वाले रुद्राक्ष लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक पहले दिन 5 लाख लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन करीब 20 लाख लोग वहाँ पहुँच गए। अनुमान से जस्ट 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोग है, वो भी एक ही दिन में आ गए। ऐसे में न सिर्फ कुबेरेश्वर धाम बल्कि पूरा सीहोर शहर लोगों से भर गया। लोगों की भारी भीड़ की वजह से भोपाल इंदौर हाईवे भी जाम हो गया, और इस हाईवे पर सुबह से लेकर रात तक हजारों गाड़ियां जहां तहां फंस गईं, जिसकी वजह से दूसरे शहरों में जा रहे लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि इस हाईवे पर करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था। ऐसे में वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को 1 किलोमीटर जाने में भी घंटों इंतजार करना पड़ा। हम 3.5 घंटे से जाम में फंसे हैं। हाईवे पर जब गाड़ियां रेंगने लगीं तो सैकड़ों लोग बसों और अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल ही कुबेरेश्वर धाम की ओर निकल पड़े। ऐसे में कुछ जगहों पर भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने रुद्राक्ष के बांटने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही भारी भीड़ को देखते हुए लोगों से अगले कुछ दिनों तक कुबेरेश्वर धाम न जाने की अपील की गई। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यही अपील कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप शर्मा ने की। उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों से कुबेरेश्वर धाम में भीड़ न लगाने की अपील की कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है वहां जाकर आप शिव को जल अवश्य। इस बीच